नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं, मैंने जो है मटर उगाई है। मटर देख सकते हैं आप, बहुत अधिक क्वांटिटी में जो है लगी हुई है। आप भी अपने घर की छत पर बोरी आदि में मटर को ग्रो कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे, कब जो है मटर का बीज हमने लगाना है, क्या केयर करनी है। तो मेरे पास दोस्तों ये पंजाब बागवानी विभाग का जो है मटर का सीड है। देखते हैं क्या वैरायटी निकलती है, किस साइज़ की जो मटर आगे बनती हैं। तो मिट्टी जो मैंने बनाई है, इसमें गार्डन सोयल और कंपोस्ट दोनों चीज़ों को मैंने बराबर मात्रा में मिक्स करके जो है मिट्टी बनाई है। मैं जो हूँ बोरी में मटर लगाने जा रहा हूँ। बोरी को मैंने लगभग जो है 7-7, 8-8 इंच तक जो है मिट्टी से भर रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप बोरी में मटर लगाइए या फिर किसी भी डिब्बे आदि में, पोट में लगाइए। नीचे ड्रेनेज होल आपको जरूर बनाने हैं, कुछ छेद जरूर करने हैं, ताकि ओवर वाटरिंग होने पर जो है एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो सके। मटर दोस्तों आप जो हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ में कभी भी लगा सकते हैं। सर्दी के मौसम की ये जो है एक फसल है, जहाँ पर ठंडा मौसम रहता है या फिर जिन इलाकों में, उन जगहों पर आप जो हैं फरवरी मार्च महीने में भी लगा सकते हैं। तो मटर का सीड तो ठीक है, बढ़िया है, वैरायटी का पता नहीं है। और जो भी दाने इस तरह के टूटे फूटे हों, उनको आपने जो है नहीं ग्रो करना है, क्योंकि वो ग्रो नहीं होंगे। तो मटर का बीज आप दोस्तों लगभग इतनी गहराई में लगा दें, इससे ज़्यादा गहराई में बीज को नहीं लगाना है। आधा इंच के लगभग गहराई में आपको जो है मटर का बीज लगा देना है। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है 2 से 3 इंच तक की रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा घना बीज नहीं लगाना है, या फिर इस तरह से आप जो हैं खाड़ी बना करके भी जो है बीज को लगा सकते हैं, या फिर जो है इस तरह से हॉल करके आधा आधा इंच के उसमें भी जो है लगा सकते हैं बीज को। जैसे चाहो वैसे आप लगा सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों मटर को आप जो हैं फुल टू पार्शियल सन कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें फुल सन में ही चाहिए, आप पार्शियल सन में भी ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। इसके बाद आपने भरपूर मात्रा में पानी देना है। मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन रखें, ओवर वाटरिंग ना करें, लेस वाटरिंग भी ना करें। यह है दोस्तों 5वें दिन का पहला अपडेट। आज से 4 दिन पहले हमने जो है मटर के बीज डाले थे। 5वें दिन आप देख सकते हैं जर्मिनेट होकर सीड जो है प्लांट के रूप में बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ज़रूरी बात दोस्तों, यदि मौसम ठंडा रहेगा तो 10 से 15 दिन का समय भी बीज को उगने में लग जाएगा, या फिर 20 दिन का समय भी लग सकता है। वहीं अगर जो है अगर आप सितंबर मंथ में या फिर अगस्त मंथ के लास्ट वीक में मटर को लगाते हैं, तो ऐसे में जो है सीड बहुत जल्दी जर्मिनेट होकर बाहर निकल आए, क्योंकि दोस्तों मौसम में गर्माहट रहती है और जब मौसम में ठंडक ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में बीज देरी से उगता है। अभी आप दोस्तों देख सकते हैं मटर के प्लांट जो हैं काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं, मस्त हैं, एकदम हरे भरे हैं। अगर समय की बात करूं तो 21 दिन का समय कंप्लीट हो गया है बीज को लगाने से लेकर के अभी तक। यह है दोस्तों तीसरा अपडेट, जो कि 44 डेज़ का है। 44 डेज़ के अपडेट में आप देख सकते हैं मटर के प्लांट जो हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं, काफ़ी हरे भरे हो गए हैं और घने भी हो गए हैं, और काफ़ी अच्छे से तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो इनको सपोर्ट देने के लिए मैंने जो है बांस गाड़ दिए हैं साइड साइड में तार बांधकर। ये है दोस्तों चौथा अपडेट। अभी आप देख सकते हैं मटर के प्लांट्स बहुत अधिक बड़े हो गए हैं, भर भर के फूल आ रहे हैं और मटर भी लगना शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों ये अपडेट है 66 डेज़ का। 66 दिन के अपडेट में आप देख सकते हैं मटर के प्लांट्स में जो है मटर लगना शुरू हो गई हैं। अभी दोस्तों जो है 87 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं मटर जो है अच्छे से पक गई हैं, मटर के दाने अच्छे से बन गए हैं। अभी हम जो इन मटर को हार्वेस्ट कर लेंगे। एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप कोई भी वेजिटेबल ग्रो करें, पेशेंस रखें। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी खाद वगैरह ऐड करेंगे मिट्टी में, तो ऐसे में प्लांट तो जल्दी से फल नहीं देगा, लेकिन प्लांट मर जरूर जाएगा। आप कोई भी वेजिटेबल ग्रो करें, पेशेंस रख कर ही ग्रो करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ग्रो करने का। समय लगता है कोई भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो उसका जो है फल मिलने में।
दोस्तों आपके मन में यदि कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिएगा, मैं जितनी जल्दी होगा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।